चार भाव का प्रकरण चल रहा है उसमें अन्योन्य भाव की बात करेंगे। तीन भाव के नाम बताइए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव। चार अभाव में से तीन अभाव की परिभाषा आपको याद हो गई होंगी। अभाव की परिभाषा क्या है? शाबाश, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना, ये अभाव है। प्राग भाव क्या है? शाबाश, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, ये प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव क्या है? वर्तमान पर्याय का अभाव है, वेरी गुड। और अत्यंत भाव क्या है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में न होना, ये अत्यंत भाव। अन्योन्य भाव सुबह बताई थी परिभाषा, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव या नहीं होना। दो पुद्गल द्रव्य हैं, ध्यान से सुनना, दो पुद्गल द्रव्य हैं तो ऐसे दो पुद्गल द्रव्य नहीं लेना, ये एक ये पुद्गल द्रव्य है और एक ये है, ऐसा दो पुद्गल द्रव्य नहीं लेना। ध्यान से सुनना, दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में जो अभाव है वो तो अत्यंत अभाव है। एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है, लेकिन एक पुद्गल का वर्तमान पर्याय, ध्यान क्या रखना है, वर्तमान पर्याय, और दूसरा पुद्गल द्रव्य नहीं, दूसरे पुद्गल द्रव्य की भी वर्तमान पर्याय। माने सारी दुनिया इतने सूक्ष्म भेद को नहीं जानती। सुबह हमने एग्जाम्पल दिया था, दूध में शक्कर डाल दें तो सारी दुनिया ये कहेगी कि शक्कर उसमें मिक्सअप हो गई है, लेकिन जैन दर्शन का अन्योन्य भाव कहता है कि एक वर्तमान पर्याय मीठा दूध, ये वर्तमान पर्याय, उसी समय उसमें शक्कर है, उसी समय उसमें दूध है, दोनों की वर्तमान पर्याय, दोनों एट रैंडम है, एट टाइम, एट द सेम टाइम है, एट द सेम मोमेंट है, दोनों एक ही समय में होने पर भी शक्कर का 1% भी विलय, 1% भी विलय दूध में नहीं हुआ, और दूध का 1% भी विलय शक्कर में नहीं हुआ। लेबोरेटरी टेस्ट से ये बात देखो अब जाकर के क्लियर हो रही है, ये बात लेबोरेटरी टेस्ट अब क्लियर करते हैं कि हाँ गुणधर्म नहीं बदलते। आपको सब बता दें गुणधर्म, एक तोला सोना, 100 किलो चांदी और दोनों को मिलाया, खूब मिलाया, बॉईल कर दिया, दोनों को एक कर दिया, दोनों का एक गहना बना दिया, भाई बताइए मेजोरिटी किसकी है? ईशान किसकी है, चांदी की कि सोना की? चांदी की। सोना कितना है? ओनली 1 तोला। चांदी कितनी है? 100 किलो। मेजोरिटी किसकी है? चांदी की। देखने में सारी दुनिया ये कहेगी ये चांदी का गहना है, यदि कोई अनजान व्यक्ति को बेचने जाएंगे तो 10 किलो चांदी के पैसे तो देगा, लेकिन 1 तोला सोना का पैसा नहीं देगा। लेकिन ये सोनी होगा, सुनार होगा, सराफ होगा, वह तो उसे कस करके देखेगा, बोलो भैया। सारी दुनिया जिसे चांदी का गहना कह रही है उसी समय अन्योन्य भाव के बल पर सर्राफ क्या बोलेगा, भैया इसमें तो 1 तोला सोना है। दृष्टांत समझ में आया? देखिए दोनों ही पुद्गल द्रव्य हैं, सोना और चांदी क्या है, दोनों पुद्गल द्रव्य हैं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, आप बताइए 1 तोला सोना माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है है ना, माइनॉर है, तो आप ये बताइए कि वो 1 तोला सोना की सत्ता का अभाव कर सकता है 100 किलो चांदी मिलकर के? कर सकती है? 100 बरस तक उबालें तो 1 तोला सोना का क्या होगा, क्या करें बताओ? दोनों को मिक्स करके हम गटर में डाल दें 1 करोड़ बरस तक तो 1 तोला सोना का क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। ये दृष्टांत ध्यान रखना भैया, ये मार्मिक दृष्टांत है। ओ हो, दो पुद्गल द्रव्य, ध्यान से सुनो, ये दो उंगली ये अलग अलग हैं, ये चर्चा नहीं चल रही है,
एक टेबल ए है एक टेबल ए, ऐसी चर्चा नहीं चल रही। वहां तो दो द्रव्य जुदा जुदा हैं, तो वो तो अत्यंत भाव है। लेकिन जहां सारी दुनिया एक मान रही है, वहां अन्योन्य भाव कहता है कि सोना का चांदी में अभाव है, चांदी का सोना में अभाव है। वर्तमान पर्याय में अभाव है, ध्यान रखना क्या कहना है इसमें। वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय पे वजन है, माने सारी दुनिया वर्तमान पर्याय में दोनों को क्या मान रही है, एक। मीठा पानी एक मान रहा है, एक सिकंजी को एक मान रहे हैं सुबह के दृष्टान में। लेकिन धन है अन्योन्य भाव, हा हा, जिसके जिसके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि इस विश्व में अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। कितने पुद्गल द्रव्य हैं, कितने हैं भैया नीले जी, जीव कितने हैं, अनंत, और पुद्गल, ओ हो हो, जीव से अनंत गुने पुद्गल हैं। गजब बात सुनो, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। इतनी इतनी बात समझ में आ गई सबको, सुनो, जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को सजाती होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर से सुनो, एक साथ दो अभाव पढ़ा रहे हैं हम, अन्योन्य भाव के साथ साथ अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव के साथ साथ अत्यंत भाव। फिर से सुनो, अन्योन्य भाव के द्वारा एक शक्कर का परमाणु पानी में कुछ नहीं कर पाता, और तुम कहते हो कि शक्कर ने मुझे सुखी कर दिया, ये अत्यंत भाव है। बताओ शक्कर से तुम सुखी कैसे हो गए, उसका तो तुम में अत्यंत भाव है। पानी में तो शक्कर का अत्यंत भाव नहीं है, दृष्टांत समझाने के लिए, एक वर्तमान पर्याय ना, अन्योन्य भाव है। अभी पानी और शक्कर एक साथ है तो बहुत दोनों में एक समय में अन्योन्य भाव है। जब एक साथ घुल मिल गए, सर्वांग पानी में मिठास घुल गई, घुल गई, डाइल्यूट हो गई, तो भी शक्कर ने पानी को मीठा नहीं किया। तो जिसका आत्मा में अत्यंत भाव है, आत्मा को जिसने कभी स्पर्श नहीं किया, उस शक्कर ने तुम्हें सुखी कैसे कर दिया। एक सोने में इतनी शक्ति नहीं कि वो चांदी रूप हो जाए, चांदी में इतनी शक्ति नहीं कि वो सोना रूप हो जाए। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं हो पाता, तो वह पुद्गल तुम्हें सुखरूप कर देता है, ये बात कहां से लाए। ठोस लॉजिक है जैन शासन का, सारा जगत मिथ्या प्रलाप करता है, मेरे पास एक करोड़ में सुखी हूं, तुम्हारे पास एक करोड़ कहां है बताना। वो तो तिजोरी में होगा, अथवा वो क्या कहलाता है, बैंक के स्विस बैंक में होगा, तुम्हारे पास कहां है, कहां है तुम्हारे पास। अब मैं इस तरह की व्याख्या करना नहीं चाहता हूं, मैंने उत्तम आकिंचन के दिन की थी वो व्याख्या, याद आ गई सबको, उत्तम आकिंचन के दिन की थी वो व्याख्या, कि सारे जगत के पास सिवाय कागजों के ढेर के और कुछ नहीं है, सिवाय कागजों के ढेर के कुछ नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, पासबुक है, एफडी है, किसान विकास पत्र है, बिल्डिंगों के कागज है, रजिस्ट्री के, फैक्ट्री के कागज है, कागज बड़े आज, और बहुत आदमी खुश होता है देख देख करके, देख देख के खुश होता है, देख देख, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी, पंडित जी हम बहुत सुखी, हमें यही नहीं समझ आई तुम सुखी कहां से हो गए। एक खेत उतनी दूर है, फैक्ट्री उतनी दूर है, जितना तुम्हारा मनी थी, कैश थी, वो सारी की सारी शेयर में डाल रखी, तो वो वहां उतनी दूर है, कुछ बैंक में पड़ी है, कुछ स्विस बैंक में पड़ी है, और जो गोल्ड था सब वो लॉकर में पड़ा है, तुम सुखी कैसे हो गए। तुमसे तो फिर हम ही अच्छे, हम भी डींग हाक सके, सुनो हमारे 10 करोड़ मकान है। और जैसे तुम पासबुक में कागज पर देख देख के परेशान होते हैं ना, इतना पैसा जमा है, हम अपनी एक पासबुक में लिख ले रहे कि मैंने 10 खरब में अमेरिका खरीदा, 12 खरब में बेच दिया, 2 खरब का फायदा। जैसे तुम नहीं भोग रहे वैसे मैं नहीं भोग रहा। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो पूरे देश का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, पूरे देश की जितनी ब्लैक मनी विदेशों में पड़ी है सब समाप्त हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं पड़े। लोगों ने फॉरेन में बंगला खरीद के रखे हैं, वहां कभी जाते नहीं है। केरवा डैम है ना, केरवा डैम नाम सुना होगा, भोपाल में केरवा डैम है, वहां पर 180 करोड़ रुपए की कोठी थी आज से 25 साल पुरानी, अर्जुन सिंह की, बरसों मुकदमे चले, 20 साल तक अभी मुकदमे चलते रहे उसके,
और उस 180 करोड़ रुपए की कोठी पर बहुत मुकदमा चला, क्योंकि वो पहले सीएम थे अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के, बहुत मुकदमा चले 10-20 साल तक। यदि मैंने उसकी हिस्ट्री आपको बताऊं तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। वो 180 करोड़ के बंगला में ना तो उनकी वाइफ रहती है, ना वे स्वयं रहते हैं, ना उनके बच्चे रहते हैं, इतनी फुर्सत ही नहीं वहां रहने की। अब 180 करोड़ में क्या बनाया होगा बिल्डिंग में कि फुल एयर कंडीशन, उसमें 4-6 कुत्ते रहते हैं और 10-12 नौकर रहते हैं, और 24 आवर लाइट की सुविधा है उसमें, 24 आवर उसमें एयर कंडीशन की सुविधा है। बस ऐसा है कि साल में एक आध दिन के लिए भी यदि अर्जुन सिंह जाए तो पूरा झड़ा पोछा मिलेगा, इतनी फायदा उनको है। और मुकदमे में इतने कार्टून बने हैं केरवा डैम के पीछे, आपने यदि पढ़े होंगे समाचार पत्र तो केरवा डैम के पीछे बहुत कार्टून बने अर्जुन सिंह के। मुझे ये नहीं समझ में आता है, भोग तो तुम भी नहीं रहे हो, भोग मैं भी नहीं रहा हूं, भोगने वाला तो बता दूं क्या कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, कांग्रेस वाले हो तो बुरा नहीं मानना, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, आप चिंता नहीं करना। अर्जुन सिंह जैसे सेवक और डीओजी जैसे स्वामी, नहीं समझ में आई डीओजी समझ गए, उनके उन कुत्तों के भाग से 180 करोड़ की कोठी बनी, नहीं समझ में आई, और उन कुत्तों ने कभी इनकम टैक्स नहीं चुकाया, कभी प्रॉपर्टी का कोई उनको टेंशन नहीं, रिपेयरिंग की कोई टेंशन नहीं, और मस्त रह रहे हैं आराम से। जो जिसके पुण्य का सेवक होता है उसे हम सेवक कहते हैं। अब इतनी सी थोड़ी सी अन्योन्य भाव अत्यंत भाव समझ में आ जाए, पूरे वर्ल्ड के भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। मैं सच कहता हूं, मेरे दिमाग में स्कीमें बहुत ही हैं लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में एक टेलीविजन चैनल खोल करके बहुत सारे सीरियल बनाने का दिमाग था, बहुत स्टोरी है मेरे दिमाग में, मैंने इतने शानदार चैनल मतलब सीरियल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा कभी स्टोरी। मैंने सारी दुनिया को केवल अनन्य भाव के आधार से बनाए गए सीरियल के द्वारा हम भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं। ये लंबे चौड़े उपदेश देने से कुछ नहीं हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था, ना तुम सुन रहे ना मैं सुन रहे, वो आजकल तो चिप है ना सारी, जैसे रेडियो रेलवे स्टेशन नहीं होते, रेलवे स्टेशन, आपकी असुविधा का हमें खेत है, मशीन को मालूम भी नहीं कौन का खेत है। लेकिन वो चिप है, वो चिप कंप्यूटर चिप है, तो बोलती रहती है दिन भर, 1000 बार खेत करती और एक बार भी खेत नहीं होता उसे। ऐसे मतलब जितना आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जिस तरह से छा रहा है ना, वो उसमें सेंसलेस बिल्कुल, और इसीलिए अरबों डॉलर रुपए खर्च हो रहे हैं भारत के, इसके बावजूद हम एड्स पे कंट्रोल नहीं कर पाए, बढ़ रही दिनों दिन, हम कोई भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाए, हम तंबाकू पे कंट्रोल नहीं कर पाए, रोजाना कहने कितने डे मनते समाचार पत्र में देखे होंगे आपने, और एक कहीं भी कुछ सेंस नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। हम सच कहते हैं अन्योन्य भाव अत्यंत अभाव पढ़ाने की एक बार छूट मिल जाए पूरे वर्ल्ड को, और कोई भ्रष्टाचार रह जाए तो कह देना, आपकी वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम रह जाए तो बता देना 4 अभाव के बाद। भला तो अत्यंत अभाव समझ में आया, अरे उस मकान का जिसका आत्मा में अत्यंत अभाव है, अत्यंत दूर है, उसने तुझे सुखी कैसे कर दिया। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत फेमस बढ़िया एग्जाम्पल है, झांसी की रानी का नाम सुना ही आपने, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसका अच्छा खासा शासन चल रहा था झांसी में, बुंदेलखंड में, झांसी बुंदेलखंड कहलाता है, बुंदेलों का राज था, माने झांसी की रानी बुंदेल थी कहलाती थी वो, तो अच्छा खासा राज चल रहा था, अंग्रेजों इतना सुंदर व्यवस्था और प्रशासन चल रहा था कि अंग्रेजों के पास सारी इंटेलिजेंसी लगाने के बाद भी, साम दाम दंड भेद करने के बाद भी, वे उस किले को भेद नहीं कर सके और अंदर नहीं आ सके। साम दाम दंड, 3 विधि से तो वे जीत नहीं सके झांसी की रानी को, और आखिरकार भेद किया, भेद समझती ना, देवर को भाभी से लड़ाया, देवर के पास अपना मैसेज पहुंचाया, एम्बेसेडर पहुंचाया,
अंग्रेजों ने चूड़ियां पहुंचाई देवर के पास कि तुम कैसे मर्द हो, तुम्हारे जीवित रहते हुए और तुम्हारे सामने तुम्हारी भावी राज्य कर रही हो गद्दी पर बैठ करके, तुम जिस कुल में पुरुष ना हो, जवान ना हो, समझदार ना हो, शादीशुदा नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो, तो समझ में आता कि महिला राज करे, नहीं तुम्हारे होते हुए तुम्हारी भाभी राज करती है तो तुम चूड़ियां पहन लो। मर्दानगी जाग गई उसकी, नहीं नहीं राज तो मुझे ही करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने उससे हाथ मिलाया, हम तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप करते हैं, तुमसे दोस्ती करते हैं, तुम हमें केवल किले में घुसने का रास्ता बता दो, जीतने के बाद हम तुम्हें राजा बना देंगे और तुम्हारा राज्याभिषेक करा देंगे। बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा गुड लक है, देखो अंग्रेज तक मेरी मदद कर रहे हैं देखो। और आखिरकार उसने वो भेद बता दिए, साम दाम दंड, चौथा नंबर क्या था, भेद। और आखिरकार उसे भेद करके उसने भेद पा लिया और रहस्य पा करके वो एंटर कर गए और इस तरह से झांसी की रानी मारी गई। बाकी कहानी सबको मालूम है, झांसी की रानी मारी गई। वो जो देवर था बड़ा प्रफुल्लित था, बहुत प्रसन्न, अब तो हमारा राज्य होगा। वो अंग्रेजों के टेंट में गया, तंबू में, जो लॉर्ड कर्नल थे, जनरल थे, जो भी कोई थे, उनसे बात की। तो जैसे ही वो गए हाथ मिलाने लगा तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अंग्रेजों ने हाथ नहीं मिलाया उससे, कर्नल ने हाथ नहीं मिलाया और फौरन रिवॉल्वर निकाल ली। वो तो इस विश्वास में था कि हमारी फ्रेंडशिप है आपसे, तो उसने एक बात पूछी कि आप हमें रिवॉल्वर क्यों दिखा रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी आपकी फ्रेंडशिप है, आप हमको हमारा राज्याभिषेक कराइए। तो उन्होंने कहा जो अपने विलट का नहीं हो सकता वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है, और गोली मार दी उसको। जो अपने सगे भतीजे का नहीं हुआ, याद होगा आपको, भतीजे को पीछे बांध करके ले जाती थी वो झांसी की रानी, छोटे से बच्चे को पीछे बांध कर युद्ध के मैदान में गई थी और एक तलवार पड़ी तो बच्चे के दो टुकड़े हो गए, वो स्वयं मारी गई। जो अपने भतीजे का ब्लड रिलेशन का नहीं हो सकता, जो अपनी भाभी का नहीं हो सकता, जो अपने सगे भाई का नहीं हो सकता, उस वो विश्वसनीय नहीं हो सकता, और उन्होंने गोली मार दी। एक दृष्टांत हुआ है ना, दृष्टांत, जो खून का खून रिश्ता नहीं निभाता हो वो दूसरे का क्या निभाएगा। आ जाइए वापस अन्योन्य भाव में, एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य से वफादारी नहीं निभाता एक दूसरे को मदद नहीं करते, हेल्प नहीं करते, करता नहीं है, भोगता नहीं है, कुछ नहीं करते, क्यों वो आत्मा का क्या करे एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, वो आत्मा को सुखी दुखी कैसे कर सकता है। देखो भाई, व्यवहार ने से तो 100% बातें जो सुनी आपने वो सब सही हैं, लेकिन जब परमार्थ के पास आते हैं, नजदीक आके देखते हैं, तो कर्मों ने आज तक आत्मा को दुखी नहीं किया। क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 24 घंटे अपने दुख का आरोप कर्मों पर मत डालो। क्या करें, हमारे अशुभ कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय नहीं है, तुम दुखी होने की आदत पाले बैठे हो और कर्मों पर दोष डालते हो। कर्म बिचारे कौन है, लिखा है कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की, क्यों अग्नि की पिटाई कर सकते हो भैया, अग्नि की पिटाई कर सकते हो, गैस जलाओ गैस और अग्नि जलने लगी, अग्नि चाटा मारो उसमें लगे, नहीं मार सकते आप, डंडा से मारो उसे नहीं मार सकते आप, लेकिन यदि वो लोहा अग्नि में सिक जाए, लोहा है, क्या बात हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है भाई, हैं क्या हैं, रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा था, देख ले भैया सही कर लेना। अब अग्नि में वो लोहा गर्म हो गया लाल सुर्ख और उसकी पिटाई शुरू करी अपन ने, लोहे की संगति में अग्नि भी पिट गई। ऐसे ही कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, वैसे आत्मा को कोई पीट नहीं सकता, आत्मा कोई दुखी नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा कर्मों की संगति करे तो, ए संगति करे तो पिटे, डिस्टर्बेंस आ रहा है
अचानक कुछ हुआ, अब नहीं आ रही आवाज ना, एक को अब नहीं आ रही। हेलो, कोई बात नहीं। देखो अभी मैं इसमें भी बताऊंगा आपको क्या लगता है, आपको इनका दोस्त लग रहा होगा जी, जो हो मालिक है इसके, मतलब जो काम कर रहे हैं, क्या भाई कैसा माइक कर रखा है। लेकिन सच्ची बात है, अन्योन्य भाव के कारण जो डब्बा डब्बी है ना जी, इनके कारण ये आवाज इको नहीं कर रही, तो इनका तो दोष कहां से होगा। देखो अन्योन्य भाव लगा हो, अत्यंत भाव लगा हो, आप अभी तक अच्छा खासा अपने आप चल रहा था, अपने आप इको होने लगा। अब आपको लग रहा हुआ इको इन्होंने सुधार दिया, ये नहीं सुधार सकते, वो मशीन की योग्यता तत् समय की जी, अन्योन्य भाव है। देखो गजा, हमको ऐसा भ्रम होता है कि हमने बिगाड़ दिया, ये भी झूठा अहंकार, और हमने सुधार दिया, ये भी झूठा अहंकार। हमारे घड़ी की दुकान थी, यहाँ कोई घड़ी की साज तो नहीं, हाँ तुम हो ठीक है, हमारे घड़ी की दुकान चलती थी, तो हमारे पिताजी घड़ी सुधारते थे, तो कई बार पूरी मेहनत करते थे, ओवर आइलिंग कर देंगे, सब कर देंगे, पूरा सुधार देंगे, तो भी पता नहीं क्यों घड़ी बंद हो जाती, तो सबसे आखिरी पिताजी क्या करते थे, घड़ी को ऐसे झटके देते थे ऐसे माने जो घड़ी सुधारने से नहीं सुधरी कई बार वो पटकने से सुधर जाती है। कई बार आप लोग भी करते हो, घड़ी जब नहीं चलती ना तो आप भी ऐसे ऐसे करते हो। नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तो आपने सुधारी कि वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से सही हुई। इस स्वतंत्र योग्यता को हम अन्योन्य भाव में पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। अभी तो क्या बात चल रही थी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को कुछ नहीं करता और तुम्हें सुखी कैसे हो गए। ये आज भ्रम दूर तो करो। आज एक आदमी इसलिए खोसे, मेरे पास एक कुंटल सोना है, हालांकि कोई है नहीं, और कोई इनकम टैक्स वाले सुन नहीं लगे भैया नहीं जी बड़ी समस्या, नहीं तो कोई को मालूम पड़ जाए, ये जैन समाज में है सुनाओ, जिन्हें कछूना चाहिए बेसाहन के साह, दिगंबर मुनिराज महा मुनिराज क्यों कहलाते हैं, वे राजाओं के भी महाराज क्यों कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि जिन्हें कछु चाहिए वे तो है राजा, और जिन्हें कछु ना चाहिए वे मुनिराज हैं, महाराज है। सुना है आपने, सुनी होगी लाइन, सुनी होगी, आहा क्या क्या है वो, चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे साहन के साह, ऐसे हैं दिगंबर मुनिराज। बोलो अब आप सोच लो भैया, सच्ची सच्ची बताओ, कलेजे पे हाथ धर गए, तो अपन मुनिराज के भगत हैं, तो ये बताओ कि मुनिराज से भगत हैं कि मुनिराज के भगत हैं। नहीं समझ में आएगा जी, प्रकार समझ में आई, मुनिराज से भगत माने जिनको प्रॉपर्टी में सुख है, जिनको बाहर की संपत्ति में सुख है, वे मुनिराज से दूर भगत, समझ गए, और एक है मुनिराज के भक्त। कौन, हे मुनिराजों, आपको पर पदार्थ में सुख दिखाई नहीं देता, हम भी पर पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़ते हैं, पर पदार्थ नहीं छोड़े, ध्यान रखना, पर पदार्थ छोड़ देंगे तो मुनि हो जाएंगे हम, लेकिन पर पदार्थ में क्या छोड़ दिया, सुख बुद्धि। हे दिगंबर मुनिराजो, आप तन पर वस्त्र तक धारण नहीं करते, हमें भी समझ में आ गया कि तन पर वस्त्र की जरूरत नहीं है, अब हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम भी अपना जीवन मर्यादित जिएंगे। एक दिन बता चुके परिभाषा आपको, ग्रस्त की परिभाषा सागर धर्मामृत में क्या लिखी है, जिनसे मुनि दशा धारण करते नहीं बनी, वे घर गृहस्थी में रहते हुए दिगंबर मुनि दशा की तैयारी करते हैं, इसका नाम जैन श्रावक, जैन ग्रस्त। और जो गृहस्थी में रह के त्रस्त हैं और अभ्यस्त हैं, वे तो उनके लिए तो आपने एक शब्द सुन रखा हुआ, एक बहुत बढ़िया कहावत है जैनों में, न दिन में चैन न रात में चैन, बे कैसे चैन है, न दिन में चैन न रात में चैन, बे कैसे चैन, आहा, जिन्हें सदा काल है चैन, ऐसे हैं सच्चे जैन। सुनी होगी, ये तो बहुत फेमस चीज है, लेकिन आप अपन विचार करो। बोलो भैया, तो पुद्गल से सुखी हो सकते हैं, एक कहावत सुनी होगी आपने, दूर के ढोल, अपने लगता है
क्यों? ताजमहल अच्छा लगता है? ताजमहल अच्छा लगता है आपको? बनवाए बोलो, तुम चाहते हो जिस तरीके से ताजमहल बना उसी तरीके से तुम बनवाओगे? समझ में आएगा क्यों नहीं समझ में आई? समझ गए जिन मालूम भी समझ गए कैसे बना ताजमहल? कि जिसकी याद में बनाए वो पहले ही मर गई, और जिसने बनवाया वो उसमें घुस नहीं पाया, मर के घुसा। सामने उससे एक निश्चित दूरी पर एक जेल है, किला जैसी, उसमें बंद कर दिया गया था। उसके बेटे ने बंद किया था, उसके बेटे ने बाप को इस आरोप में बंद किया था कि तुमने सरकारी पैसा, जनता के पैसे का वेस्टेज किया ताजमहल बना के। सो वो पूरी जिंदगी वहां बंद रहा। तो वहां एक इतनी सी छेद था, छेद वहां से वो अपनी मुमताज महल को देखता रहता था। मुमताज को नहीं, महल को। महल समझ गए ना, वो बना बनाया स्मारक को। पत्नी तो मर ही चुकी थी पहले ही उसकी। अच्छा अब बनवाए ऐसे कोई पति दे कोई की याद में ताजमहल बनवाए, तैयार है कोई मिसेज? समझ गए नहीं समझे? मैंने पहले तो वे मरे 20-25 साल की उम्र में और फिर उनके हस्बैंड उनकी याद में बनवाए, सो घुसे ही नहीं पाए। सब वे दूर से छेद में से देखते रहे मेरी मुमताज महल। मेरा मतलब है क्यों साहब? अरे साहब उस पर हमें बड़ा गर्व है। मुझे समझ नहीं आता काय पे गर्व है, कौन सी हिस्ट्री पर गर्व है बताना जरा। मैं ऐसा एक नहीं, मैं तो ऐसे, मेरा मतलब ये है दूर के ढोल साहब है, तुम्हें ताजमहल बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन अभी स्टोरी जान लो तो आप नहीं बनवाओगे। हमें लगता है वो करोड़पति सुखी, वे अरबपति सुखी। आज सारी दुनिया में एक नाम बहुत चल रहा, आईटी। आज सब डिप्रेशन में आईटी के सामने, जो कॉमर्स पढ़ रहे हो चाहे आर्ट पढ़ने वाले, तो बेचारे ऐसे समझा जैसे बीए की हिंदी में ये पार्ट था गरीब की लुगाई। गरीब की लुगाई माने सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाली, माने कोई भी आए वो आए भोजी क्या के छेड़ जाए, परेशान कर जाए, हैरान कर जाए, कोई भी पानी पी जाए, कोई भी पत्थर मार दे, कोई भी बेचारी गांव की गरीब लुगाई बेचारी क्या करे, हर कोई पत्थर मार जाए कुछ भी हैरान। तो आर्ट पढ़ने वाले तो अपने ऐसे डिप्रेस है, उनसे पूछो क्यों आपने क्या पढ़ा है? बीए। का बात हो गई, क्या हो गया गया तुझे? कि कुछ नहीं, सोशल साइंस पढ़ा है हमने, आर्ट पढ़ी। अरे तो आर्ट पढ़ी तो आर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब, लेकिन आजकल आईटी का जमाना है, मुझे तो ये कहना है। तो आईटी में दूर के ढोल स्वाब ने, बता रहा हूं आईटी में दूर के ढोल स्वाब ने है, केवल एक ही चीज में चमकदार है, चांदी के सिक्के 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 40,00,000 का पैकेज। लेकिन जो आईटी के चक्कर में है, बहुत ज्यादा फैन है आजकल कंप्यूटर के, उनको ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी चढ़ रही है सिर पर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कोमा में पड़ रहे हैं, 100% को चश्मे लग गए हैं, पाचन तंत्र 100% का खराब है। 100 की गारंटी दे रहे हैं, 100 की। दूर के ढोल स्वभाव ने केवल माँ बाप इसलिए खुश, मेरा बेटा पंडित जी 40,00,000 का पैकेज और 15-15 घंटे का काम पर डे, और कोई मूर्ख नहीं है, 40,00,000 रुपया तुम्हें वेतन देगा तो 10 करोड़ रुपए का व्यापार करवाता महीने में आपसे। वो आपसे एक एक प्रोग्राम बनवा करके मार्केट में निकाल करके वो करोड़ों रुपए कमाती है कंपनी, तब वो 40,00,000 देती है। लेकिन भाई साहब 40,00,000 में आपका शरीर बर्बाद कर डाला, 15 घंटे कैसे कहते हैं? यहां तो घर में अपन नौकरानी रखते ना, नौकरानी, और 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा रख दो उसे मालूम पड़ जाए तो वो कहती है देखो आप ओवरलोड नहीं करो, यदि आप 2 टाइम के बाद 3 टाइम बर्तन मजवाओ तो एक्स्ट्रा पैसे। ऑफिस में नौकरी करो 8 घंटे के 9 घंटा काम करो तो 1 घंटे का ओवरलोड वर्क पैसा मिलेगा उसका। वहां 15-15 घंटे में निचोड़ डाले। सच आप पढ़ लो न्यूज़पेपर में, उनकी सोशल लाइफ नहीं, फैमिली लाइफ नहीं, पत्नी से फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इस 15 घंटे बाद इतने निचोड़ जाते हैं जैसे जैसे गन्ना में से रस निकल जाए। रियल कह रहा हूं आपको, और मैं गंदे शब्दों का बापर नहीं सकता हूं, समाचार पत्र में पढ़ना, वे संतति के लायक नहीं बचते। दूर के ढोल स्वाब नहीं है बस।
मैं एक बात आप सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सभी लोग हमारी नई पीढ़ी के हैं, जिंदगी के 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल हमें केवल इस देश चलाने के लिए पर्याप्त रोटी चाहिए, पर्याप्त कपड़े चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा चाहिए, पर्याप्त मकान चाहिए, हमारे टारगेट इतना है बस। हम मरते समय 10 करोड़ छोड़ के मरे कि 50 करोड़ छोड़कर मरे, इसमें क्या स्टैंडर्ड है? समझ रहे हैं? सुनना बेटा, आप अपने जीवन का सब लोग टारगेट बनाओ, हमें इतना कमाना है, हमें फैमिली लाइफ जीना है, सोशल लाइफ जीना है, हमें स्पिरिचुअल लाइफ जीना है। आज उसका नामो निशान नहीं है। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे अमेरिका से थोक में लोग ढेरों अध्यात्म की तलाश में भारत आती है, भारत आ रहे हैं। योगा आदि का जितना प्रचलन आज पूरे विश्व में छा रहा है वो भारत की देन, लोग वहां शांति ढूंढ रहे हैं और हम केवल एक चीज में बिक रहे हैं। 15 घंटे मेहनत करने तैयार, सारा गांव वाले हमें तारीफ करें कि लड़का 40 लाख के पैकेज में गया। मैंने सर्विस की, अच्छी खासी सर्विस थी, पैसा जोड़ लिया मैंने, तो मैं अपने पंडित साहब के पास गया कि पंडित साहब मैंने अपना 1.5 लाख रुपए जोड़ लिए 10 साल में। मालूम है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त नहीं की कि तुमने नौकरी छोड़ दिया तो बहुत अच्छा और 1.5 लाख जोड़ लिया तो बहुत शाबाश और ईमानदारी से जोड़े तो और वेल डन, बिल्कुल नहीं बोले। मालूम है क्या कहा अशोक जी, तुम सोचते हो मैंने 10 साल में 1.5 लाख जोड़ा, हम सोचते हैं तुमने 1.5 लाख के लिए 10 साल खो दिए। क्या बोला? तुम सोचते हो हमने 10 साल अमेरिका में रहकर 10 करोड़ रुपया कर लिए, हम सोचते हैं तुमने 10 करोड़ के चक्कर में जीवन के 10 वर्ष जो तुम्हें केवल रत्नत्रय के लिए मिले थे, जो तुमने नरकों में 1000 बार कोल करार की थी कि अब यदि बच गए तो, आज आपको कोई कैंसर हो जाए ना तो आप एक ही करार करोगे, हे भगवान एक बार बच जाए, अब हम कल्याण करेंगे। आपको जरा हार्ट अटैक, टीवी कुछ हो जाए, ब्रेन हेमरेज कुछ हो जाए तो आप होश में आने पर एक ही बात कहोगे, पंडित जी एक बार बच जाए बस, अब ठीक हो गए तो हम आत्म कल्याण करेंगे। ऐसे तुमने चारों गतियों में कोल करार की थी तब तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष जाने के लिए एक मनुष्य मिला और उसे हमने केवल, ध्यान से सुनना, बोलो क्या फर्क पड़ने वाला है, मरते समय हम 1 करोड़ छोड़ के गए कि 10 करोड़ छोड़ के गए? बोलो बोलो भैया, मैं तो सोचता हूं जो 10 करोड़ छोड़ के मरे वो महामूर्ख। मैंने 1.5 लाख जोड़ा था, मैं मरते दम पर 1 पैसा भी छोड़ के नहीं मरूंगा। क्यों छोड़ के मरे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। हमने छोड़ने के लिए रिश्वत खाई थी, हमने छोड़ने के लिए बेईमानी की थी, भ्रष्टाचार किया था, काय के लिए किया था भाई? इतने लेक्चर काफी है पूरे विश्व का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, एक केवल आदमी सोचे शांति से। आया समझ में? आया भैया? आईटी दूर के ढोल सुहावने। यदि मैं इसमें लॉजिक दूं तो बहुत है, जैन सिद्धांत प्रविष्का के मैंने इसके लॉजिक दिए हैं, जैन सिद्धांत प्रविष्का में इसके लॉजिक दिए हैं। क्यों सुखी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? उसे मैं अभी नहीं उठा रहा हूं, समझ में आया? अब आगे चलें अपन, कौन सा अभाव चल रहा था? अन्योन्य भाव। उसके साथ कौन सा अभाव चला रहे हैं हम? अत्यंत अभाव। एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु को कुछ नहीं कर सकता, यहां तक रेडी है सभी लोग? अब आइए एक बार हम आपको 50 साल पुराने इतिहास में ले चलें। पिछले 50 वर्षों में स्वामी जी का इस अन्योन्य भाव के नाम पर बहुत विरोध हुआ हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा विरोध स्वामी जी का हुआ अन्योन्य भाव को लेकर, जबकि हमारे मूल जिनागम में समस्त मुनिराज और समस्त संघ जिन गुरु गोपाल दास जी बरैया जी को प्रमाणिक मानते हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है जैन सिद्धांत प्रविष्का में 4 अभाव की, और वह अन्योन्य भाव गुरुदेव ने खुल के पढ़ाया तो गोपाल दास जी बरैया जी का विरोध नहीं हुआ, लेकिन स्वामी जी का विरोध बहुत हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण कि स्वामी जी के, गोपाल दास जी की, बरैया जी के प्रवचन किसी ने सुने नहीं, लिमिटेड व्यक्तियों के बीच में रह गए वो, और स्वामी जी ने वो प्रवचन खुलेआम किए, उनकी 8,500 कैसेट बन गई और सारे वर्ल्ड में छा गए वो, तो इसलिए उनका विरोध हुआ। कैसे हुआ मैं समझाता हूं, देखो कैसे हुआ, आप भी विरोध करोगे। देखो अभी हाल अग्नि से कागज नहीं चलता बापू। आह क्यों कागज कैसे चलता है?
अग्नि से चलता कि नहीं चलता? और स्वामी जी ने प्रवचन में कहा अग्नि से कागज नहीं जलता, कैंची से कागज नहीं कटता, बोला ए पेट्रोल से मोटर नहीं चलती। जो लोग थोड़े स्वाध्याय होंगे उन्हें याद आ गया होगा, तो सोनगढ़ की मोटर नहीं चलत, हमारी मोटर तो पेट्रोल से ही चलत। इस तरह से मजाक बहुत उड़ाया, मैंने बहुत मजाक उड़ाया इस बात का। मैं देखो, मैं तो जानबूझ करके इस तरह से आपको मैंने पुटअप कर रहा हूं कि आज के बाद यदि कोई आपसे कहे तो आप उसका विश्वास करना कि जिन वाणी में एक अन्योन्य भाव है। कौन सा भाव है? हाँ हाँ, जब शक्कर से दूध पानी मीठा नहीं होता, नमक से सब्जी खारी नहीं होती। समय सार जी का दृष्टान, समय सार जी का दृष्टान, समझ आया? समय सार जी का दृष्टांत है, नमक से लवण से सब्जी खारी नहीं होती। सारा जगत कहता है दाल खारी है, दाल खारी देखिए, दाल खारी खाई है नहीं? दाल खारी हुई है आज तक? लोकी सब्जी, सब्जी खारी हुई कभी? कि ज्यादा नमक डाल दो तो खारी हो जाती है। आज तक सब्जी के एक अंश ने भी नमक को ग्रहण नहीं किया। और नहीं हो विश्वास तो करके देखो प्रैक्टिकल, सब्जी में कल खूब सारा नमक डालना और खा के देखना तो खारी लगेगी। और फिर लौकी का एक कटका उठाना, एक टुकड़ा, और केवल पानी से धोना जरा सा उसे, और अब खाना। आप जो सब्जी अभी तुम्हें खूब खारी लग रही थी, एक जरा सी पानी की परत हटने मात्र से, पानी से धोने मात्र से, और वो आपको कैसी लगने लगी? अब तुम तो कह रहे थे इसके अंदर नमक घुस गया, नमक तो घुसा ही नहीं इसमें। दाल में महिलाएं क्या करती हैं यदि खारी हो जाए तो? थोड़ा सा पानी गर्म करके और डाल दो। तो क्यों? इसका मतलब दाल में खारापन घुसा नहीं था। हाँ, दाल और खारापन ये दो चीज एक साथ खाते हो तो तुम्हें भ्रम हो जाता है कि दाल खारी है। तो अब तो समझ में आया कि नहीं? तो आप पंडित जी तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने, ये तो बहुत ही गड़बड़। अग्नि जलाती है कि नहीं आप तो फाइनल करके बताओ हमें, अग्नि जलाती है कि नहीं जलाती है? तो अब मेरे से सुनना आप ध्यान से, एक ध्यान से, तीन लोग तीन काल में आज तक अग्नि ने किसी को नहीं जलाया। अब देखो है ना, आगम विरुद्ध बात, लोक विरुद्ध बात है ना, सारे लोग उखड़ पड़ेंगे। लेकिन ये तो छिंदवाड़ा की समाज बड़ी शांत प्रेमी है, इतनी बात सुन के भी मेरे से कुछ नहीं कह रही। नहीं, और कहीं होता तो हंगामा हो जाता, कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हैं। अग्नि ने किसी को नहीं जलाया, लियाओ जरा पेट्रोल और पंडित जी जला के दिखाएं। लियाओ कग्गा जब अलम जला के दिखाएं। भाई साहब, अग्नि जलाती नहीं है, अग्नि का कार्य जलाना नहीं है, अग्नि का कार्य जलना है, अग्नि का कार्य जलना है। शक्कर का काम मीठा करना नहीं है, शक्कर का काम मीठा रहना है। शक्कर के संग पानी आए इसलिए आपको लगता है पानी मीठा हो गया, पानी कभी मीठा नहीं हुआ आज तक। सुबह एग्जांपल दे चुके ना ईशान, लेबोरेटरी टेस्ट किया था मैंने, वो पानी सारा का सारा यहाँ निकल गया था। दृष्टांत याद है? ऐसे याद रख लेना आप, सोना को चांदी नहीं बनाया जा सकता, चांदी को सोना नहीं बनाया जा सकता। समझ में है? चलो अब आगे चलते हैं। तो फिर पंडित सही सही बताओ, फिर जलता तो है, कागज जल जाता है, पेट्रोल जल जाता है अग्नि से। तो सुनो, आपने कभी वो देखा है क्या कहलाता है, टैंक, टैंकर देखा है, पेट्रोल का टैंकर, उस पर एक बात लिखी रहती है, सावधान अग्नि दूर रखें ज्वलनशील पदार्थ। क्या लिखा रहता है? ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब समझते हैं, जलने योग्य। जब वो गैस जाती है ना, एलपीजी गैस वगैरह, उसमें लिखा रहता है इनफ्लेमेबल। क्या मतलब? ज्वलनशील पदार्थ। सुनो, जो जलने योग्य होते हैं वे जलते हैं, जो जलने योग्य नहीं होते वे कभी अग्नि से जलते। क्यों? अभ्रक जल जाता है, अभ्रक, अभ्रक जल जाता है, बॉर्डर, बॉर्डर हिंदी में क्या कहते हैं, अभ्रक है ना, अभ्रक, अभ्रक बॉर्डर, बॉर्डर अग्नि से नहीं जलती, जलती है। अच्छा एक और देखो, अब और समझाता हूं। क्यों? जिस गति से रुई को जलाती है उसी गति से कागज को जला देती है, स्पीड से। तो रुई जल्दी ज्वलनशील है, कागज थोड़ा धीरे धीरे जलता है, कपड़ा की गति अलग जलने की, यहां तक कि पेट्रोल की ज्वलनशीलता की गति अलग,
और मिट्टी के तेल केरोसिन की गति अलग है, बोलो होता है। अब देखो, अब अपन मूल मुद्दे पे आ रहे हैं। अभी तो अपन बहुत चर्चा कर ली, लेकिन इतनी बात समझ में आई ना आपको? माने एक योग्यता है, एक योग्यता कहलाती है, जिसमें जलने की योग्यता है वो अग्नि का निमित्त पाकर जल जाता है। जिनमें समझने की योग्यता है वे गुरु के निमित्त पाकर के समझ जाते हैं, दृष्टांत समझे। जिनमें पाचन की क्षमता है वे रोटी खा करके पचा लेती हैं, और जिनमें पाचन क्षमता नहीं हो उन्हें रोटी से क्या होगा? दृष्टांत समझ में आया? योग्यता का दृष्टांत समझ में आया भैया? देखो नए लोग बैठे हो तो नहीं समझ आए तो पूछ लेना, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद मुझे बहुत तेजी से 15 मिनट है अपने पास, और उसमें मैं गति से आपको एक बात समझानी है मुझे, क्योंकि इतना सारा सिद्धांत मैंने क्यों समझाया कि अग्नि से कागज नहीं जलता, माने कागज में जलने की योग्यता इसलिए जलता है। कागज जलता है, लोहा क्यों नहीं जलता? वैसे तो लोहा भी जलता तो है लेकिन उसकी स्पीड अलग है, इसकी भी भस्म बना लेते हैं, लोहा भस्म। तो जलता तो है लेकिन जिसमें जैसे जलने की योग्यता हो वैसे जलता है, बराबर। माने जलना अग्नि का धर्म है जलना, और जो जलने योग्य होते हैं वे जलते हैं, और जो जलने योग्य नहीं होते उन्हें अग्नि जला सकती, बराबर। ठीक, अब अपनी बात पूरी हुई। कैंची से कागज कटता है, जैसे कागज कटता है वैसा लोहा नहीं कटता। जैसे लोहा कटता है ऐसे और भी कोई पदार्थ है वे नहीं कटते। इसका मतलब है कि कटने योग्य पदार्थ कटते हैं, समझ में आया? अब तो गड़बड़ नहीं होगी किसी को? चलिए अब वापस आई तो फिर पंडित जी आप तो ये बताओ कि किस लिए आपने इतना प्रवचन किया, और जिनवाणी में इस अन्योन्य भाव की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? सुनेंगे आप लोग? यहां से पूरा चरणानुयोग शुरू होता है, अन्योन्य भाव से पूरा चरणानुयोग, पूरा संयम। दिगंबर मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? क्योंकि वे जानते हैं सावन और पानी से शरीर के साथ अन्योन्य भाव है। शरीर को सावन मदद नहीं पहुंचा सकती, स्वच्छ नहीं कर सकती, गोरा नहीं कर सकती। गोरा गोरा समझ गए? जो लोग गोरा होना चाहते हैं लगे सावन, लगे सावन, और सावन लगा लेंगे। एक बार नहीं लगाते, दिन में 4 बार, और 4 ही बार नहीं लगाते इसके बाद फिर कौन कौन सी क्रीम विज्ञापन आते रहते हैं, ढेर सारे विज्ञापन। अब उन्होंने क्रीम लपेट ली, फिर पाउडर चपेट दिया, एक लिपस्टिक लगा दी। सुनो, तुम आत्मा को तो इस श्रृंगार सामग्री से, तुम श्रृंगार सामग्री से आत्मा को तो सजा ही नहीं सकते, लेकिन इस देह को भी नहीं सजा सकते, इस देह को भी नहीं सजा सकते। एक कवि ने एक कविता लिखी है, मैं सुना नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं सुनाने की, क्योंकि आप लोग मुझे बैठने नहीं दोगे यदि मैं सुना दूंगा। उन्होंने श्रृंगार करने वालों को एक ऊपर कविता लिखी है श्रृंगार करने वालों के लिए। जो असुंदर अपने को मानते हैं वे सुंदर बनने की चेष्टा करते हैं। क्या कहा हमने? जो असुंदर होते हैं, जो अपने को असुंदर मानते हैं वे सुंदर होने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया उसका। अब जे यहां तक की तो कविता सरल थी, इससे आगे ही खतरनाक है। बोले जैसे घर में बच्चा गंदगी कर दे तो अच्छी नहीं लगती, तो उस पर राख डाल देते हैं। समझ गए दृष्टांत? नहीं समझे? अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे गंदगी कर देते कमरे में, किचन में कहीं, तो फिर क्या करते हैं कि उस पर राख डाल देते हैं। ऐसे ही जिन्हें अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता हमारे विदिशा नगर में जहां मैं रहता था, मेरे घर के जस्ट सामने एक बहुत सुंदर लड़का रहता था, बहुत सुंदर। लेकिन जैसा कि जवानी में होता है, वो सुंदर होने के बावजूद भी जब भी अखबार पढ़े तो श्रृंगार सामग्री के बारे में जरूर पढ़े, और सुंदर कैसे लगूं, गंदी भाषा में कहें तो कॉलेज स्कूल में लाइट कैसे मारूं मैंने खुलेआम कह दिया, क्षमा करना भैया, है ना। मैं तो इसलिए खराब भाषा में बोलता हूं कि आपको ये बातों से बचना चाहिए। तो इतनी महंगी महंगी साबुन का इस्तेमाल करता था चेहरे पे, गोरे होने के चक्कर में और सुंदर लगूं, और सुंदर लगूं, तो इतना इतना करता था।
और वो कास्टिक के प्रयोग से, साबुन के प्रयोग से उसका पूरा चेहरा बर्न हो गया, जल गया, पूरे चेहरे पर दाग। और पूरे चेहरे पर दाग आने के बाद जितने जितने प्रयोग करें, शादी के पहले तक आते आते उसका पूरा चेहरा काला हो गया। आप ये नहीं समझना, ये मेरी देखी हुई घटना है मेरे घर के सामने। और आपको एक मैं सच कहता हूं, जितनी बच्चियों को कह रहा हूं, बच्चियों ध्यान से सुनना, आपको भी कह रहे हैं, सबको लगता है कि हीरोइन कितनी सुंदर लग रही है मेकअप की वजह से, लेकिन कभी आप उन हीरोइनों के असली चेहरे देखो, आप 99% ओंठ काले, क्योंकि जो लिपस्टिक का प्रयोग होता है, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्र में, जो भी आप कॉस्मेटिक लगाते हैं उसके आधा घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर, उसे उतारने में एक घंटा चाहिए। माने जो कॉस्मेटिक जितना लगाते हैं, इसे उतारने में गर्म पानी, तेल और जो मिट्टी का पाउडर, एक घंटा तो एक चेहरे की सफाई करने में लगता है केवल। और यदि आप नहीं उतारेंगे और सो जाएंगे तो अगले दिन तक पूरा चेहरा काला पड़ जाएगा। आप चाहो तो मेरे पास की कटिंग है समाचार पत्रों में कि जो कॉस्मेटिक जो आ जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, माने जो जितने लगाए जाते हैं पैक, इन सब में इतने रसायन होते हैं कि उन्हें उतारने में एक घंटा चाहिए। पढ़ लेना आप समाचार पत्र में। मुझे केवल इतना कहना है, जिन्हें आप सुंदर मानते हो, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां हों, और उन्हें आदर्श बना के दिन रात कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हो, जिसमें कि अभी अभी यदि हम आपको दिखा दें वो सीडी ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी है, तो आप देख करके आप देख नहीं सकते। वेल मछली को लटका करके जिस तरह से काट कर उसका पूरा ब्लड निकालते हैं, देखा होगा आपने सीडी में, नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखना चाहिए सब लोगों को। केवल आप इसलिए लिपस्टिक लगा लेते हो, पाउडर लगा लेते हो, क्रीम लगा लेते हो दिखने के लिए, लेकिन हम फिर कह रहे हैं जितने अच्छे आप अभी हो, कॉस्मेटिक यूज करने के बाद आपके ओंठ काले होते चले जाएंगे, आपका चेहरा पूरा काला होता चला जाएगा। और कर नहीं हो विश्वास तो कभी बॉम्बे में आप हीरो हीरोइनों को देख लेना, असली फेस इनका देखना आप। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप सबको दिखा रहा हूं, सारे लड़के हाँ करेंगे एक साथ। माइकल जैक्सन का नाम सुना है भैया? माइकल जैक्सन, कोई ने उसका असली चेहरा, असली फोटो देखा? किसी ने हाथ खड़ा करे कोई? असली फोटो, असली नहीं देखा तुमने, नकली देखा है तुम लोगों ने, देखा ही कहां है तुमने। असली चेहरा उसने पिछले 20 साल से ओपन नहीं किया। वो लगाता है, क्या कहलाता है, एक पूरा का पूरा मास्क, और उसकी पूरी चेहरे पर 3-4 बार प्लास्टिक सर्जरी हो गई। माने जो ओरिजिनल स्किन थी वो तो पूरी खत्म हो चुकी उसकी, इसके ऊपर प्लास्टिक का लेप और इसके ऊपर मास्क, बड़े बड़े बालों से यहां तक वो ढकता है अपने को। उसके चेहरे पर उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया जब ओरिजिनल चेहरा देखा, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे, मास्क के लोथड़े और उसके ऊपर उसकी पैकिंग। ये माइकल जैक्सन वही है जो केवल रॉक संगीत वगैरह गाने के लिए, गायन करने के लिए जाता है, और उसके लिए वो मेकअप करता था, और वो मेकअप 3 घंटे चढ़े रहने की वजह से उसको इतने बड़े बड़े भयंकर घाव हुए, और उसकी चक्कर में उसने सुधरवाने के लिए फिर प्लास्टिक सर्जरी कराई और फिर 2-3-4 बार करवा लिया, और आज की तारीख में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी रियल स्टोरी है। देखो, एक जरा सी कॉस्मेटिक के चक्कर में पत्नी ने जिंदगी भर के लिए, अब कोई स्त्री उसे नहीं देखती, कोई स्त्री नहीं चाहती, कोई बच्चे उसके पास नहीं रहते, जिंदगी भर के लिए अकेला। और इसीलिए उसका आपने केस पढ़े होंगे समाचार पत्रों में, बच्चों के साथ गलत संबंध कायम करना। मेरा मतलब ये है, आप ऐसे क्या कहें, ऐसे लोगों के नाम लेने में भी अच्छा नहीं लगता, और आप इन्हें आदर्श बना करके अपने बाल बढ़ाते हो, कपड़े पहनते हो और मेकअप करते हो, जो स्वयं आदर्श के योग्य नहीं है। जो हीरो हीरोइनों के, यदि आपको मालूम पड़ जाए कि झींगुर को, जिंदा झींगुर को ऐसे ऐसे दो टुकड़े करते हैं ऐसे बीच में से ऐसे, और नमक में लगाते हो घायल को दो टुकड़े करके ऐसे, और ऐसे खा जाते हैं। ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, नाम बताऊं आपको, माधुरी दीक्षित है शायद, कौन है, क्या नाम है, कोई है ऐसी हीरोइन, कोई नाम
समाचार पत्र मैंने पढ़ा था, जिंदा कांकरोच और ओंठों के बीच में ऐसे दबा के चबा रही उसको। सचिन तुम्हारी झींगा मछली खा जाए ऐसे जिंदा पकड़ करके। विदेशों की हालत और भी खराब है भैया। तुम विदेशी संगीत के आजकल बड़े फैन है, आजकल के लड़के विदेशी संगीत, इससे भी मॉडर्न बनना चाह रहे हैं, अप टू डेट क्या कहना चाहिए, बहुत विदेशी संगीत सुनो। जिनके तुम विदेश संगीत की बात करते हो, चाइना में होटल के सामने कोबरा सांप लटका रहता है ऐसे, और लड़के अपने काम शक्ति बढ़ाने के लिए उसका ब्लड पीने जाते हैं, उसमें सांप में ऐसे छेद करते हैं और निचोड़ते हैं सांप को, और आधा गिलास एक गिलास ब्लड $100 में ऐसा करके वो बिक जाता है और पी के आ जाते हैं लोग, उसे वहां पट्टी बांध देते हैं घाव के ऊपर, 8-10 दिन में फिर वो ब्लड का रिकवरी होती है उसकी, दूसरा ग्राहक आता उसे बेचते हैं। ताइवान की मैंने फोटो दिखाए थे आपकी सभा में, ताइवान में आजकल जैसे क्या कहलाती है पोल्ट्री फार्म होती ना, पोल्ट्री फार्म अंडों के लिए, ऐसे वहां पर पैसा देकर के गरीब लोगों को प्रेग्नेंट कराते हैं, और 8-8 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चे का, 9 महीने का बच्चा गर्भपात करा करके अथवा ऑपरेशन के द्वारा या डिलीवरी होने के बाद उन बच्चों को मांस की तरह विक्रय होता है $200 में। आप मेरे पास अभी भी शायद फोटो में लाया होंगे, शायद देखना पड़ेंगे उन फोटो में, आप स्पष्ट देख सकते हैं, आजकल इसकी इंटरनेट वेबसाइट भी है, उस पर वो बच्चे को वॉश बेसिन में धोते हुए दिखा रहे हैं, दोनों हाथ दोनों पांव काट दिए उस बच्चे के, और फिर उसको ओवन में फ्राई करके और ऐसे खा रहा है जैसे कोई भुट्टा खाता हो। आप किसे आदर्श बना रहे हैं, हमारा प्रश्न ये है आप कौन से वेस्टर्न कल्चर को आदर्श बना रहे हैं। सुना हमारी सतियों को देखो, उनके ओंठ ऑटोमेटिक गुलाबी थे, उनका चेहरा ऑटोमेटिक सुंदर था। सीता ने कौन सा कॉस्मेटिक यूज किया था बता सकते हैं आप, हमारी महान सतियों ने कौन सा कॉस्मेटिक यूज किया था, थोड़े में बहुत समय ना, ये एक असंयम, एक हिंसक प्रयोग, और ये जैन शासन के विरुद्ध, हमारी आमनाई के विरुद्ध। मैं तो यहां भी इतना भी कहना चाहूंगा कि हमें ऐसी सामग्री बेचना भी नहीं चाहिए, मांसाहार मांस से बनी हुई सामग्री बेचना भी नहीं चाहिए। मैंने दोपहर में याद किया था मेनका गांधी को, मेनका गांधी को कभी आप पाउडर लगा बता दो तो मैं मौन ले लूंगा जिंदगी भर के लिए। मेनका गांधी को कभी लिपस्टिक लगाए दिखा दो आप किसी फोटो में, मैं हार जाऊंगा। बोलो मेनका गांधी 1% भी आपका कॉस्मेटिक यूज नहीं करती, लेकिन हमारी जैन महिलाएं प्रवचन सुनती हैं, पूजाएं करती हैं। आज मैंने मंदिर में देखा था एक महिला को लिपस्टिक लगी हुई थी और पूजन कर रही थी आराम से, दिख गई नजर पड़ गई, मतलब तो मुझे एकदम ऐसा लगा कहां तो जिनेन्द्र देव की अपन पूजन करे, हे महावीर भगवान तुमने पानी छानने का उपदेश दिया है, तुमने एक जीव मात्र के ऊपर दया करने का उपदेश दिया है, हे महावीर भगवान मांस खाने का निषेध किया है, और वही लिपस्टिक लगाए। और आपको नहीं हो विश्वास, वेल मछली से लिपस्टिक बनते हुए देखना हो तो अपन वो सीडी का प्रदर्शन करके दिखा दो। ये हमारे बच्चे फैशन के चक्कर में मॉडर्निटी कॉम्पिटिशन के नाम पर ये बच्चे भी बड़े बड़े कीमती पर्स, जो स्पष्ट आप बनते देख सकते हो, सांप को पेड़ में ऐसे कील ठोक देते हैं, जिंदा सांप को, और फिर बीच में से एक ब्लेड से चीरा लगाते हैं, और जैसे सब्जी के छिलके उतारते हैं ना अपन केले के, ऐसे उसके जिंदा तड़ फड़ाते हुए सर्प के इस तरह से चमड़ी उतार देते हैं पूरी, और पूरी आखिरी चमड़ियों खींच करके तड़पता हुआ घायल छोड़ देते हैं उसे मरने के लिए, और उस कोमल चमड़े से पर्स बना देते हैं। मार्केट में है, अवेलेबल है। आप सुना भैया, जो चीज ऐसी प्रयोग करते हैं वे तो सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है, वे जिनवाणी सुनने के पढ़ने के, हमें तो ये लगता पूजा कर कैसे लेते हैं अपन। और अन्योन्य भाव की बात चल रही, ध्यान रखना, ए पुद्गल परमाणु बॉडी के परमाणुओं को चमका सकता नहीं, बराबर। अब इससे आगे और चलें थोड़ा सा जल्दी से,
आज मार्केट में ब्लड प्रोडक्ट बहुत आ रहा है, ब्लड प्रोडक्ट नाम सुना होगा, ब्लड प्रोडक्ट जहां दवाइयों में इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन आप सारे नवयुवकों को मैं बताना चाहूंगा, इस समय मार्केट में सिंथेटिक कत्था आ रहा है। खेर की लकड़ी का रेट है, जैसे कत्था बनता था पुराने जमाने, वो 700 रुपए किलो है, और आजकल जो मार्केट में कत्था आ रहा है वो 125-150 रुपए का है किलो, और पाउडर के शेप में आता है। पुराने जमाने में तो रात भर 24-24 घंटे भिगोते थे, उसे उबालते थे, तब जाकर के उसका कत्था माने पेस्ट बनता था उसका। और आजकल का कत्था तो 2 मिनट में आप पानी में डाल दीजिए, पेस्ट तैयार उसका। सिंथेटिक कत्था, सुन लेना सभी लोग, आजकल पान पराग में आ रहा है, सारे गुटखों में आ रहा है, तंबाकू के संग आ रहा है, और पान में भी डाला जाता है। एक कत्थे की विधि सुन लीजिए आप, इसमें बूचड़ खाने का ब्लड इलेक्ट्रिक मशीनों के द्वारा सुखा करके इसका पाउडर बना देते हैं। मुल्तानी मिट्टी, अखरोट का पाउडर और जूते की लाल पॉलिश, ये 4 चीजें मिक्स करके आज का सिंथेटिक कत्था बन रहा है। जिनवाणी के ऊपर साक्षी हाथ रखकर कह रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हाथ रख के कह रहा हूं ये बात। ये समाचार पत्र में छप चुकी है बात, और ये सिंथेटिक कत्था के नाम से मार्केट में चल रहा है, और 99% नहीं 100% मार्केट में कत्था वही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का फोटो है, और आदिनाथ नवयुवक मंडल अपना जबलपुर का है, उसने एक बुक प्रकाशित की है जिसपे फ्रंट में नीले बैकग्राउंड में विद्यासागर जी का फोटो है, उसमें आप पढ़ करके देख लेना, उसमें समाचार पत्र में छप चुकी है बात, और ये सिंथेटिक कत्था के नाम से मार्केट में चल रहा है, और 99% नहीं 100% मार्केट में कत्था वही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का फोटो है, और आदिनाथ नवयुवक मंडल अपना जबलपुर का है, उसने एक बुक प्रकाशित की है जिसपे फ्रंट में नीले बैकग्राउंड में विद्यासागर जी का फोटो है, उसमें आप पढ़ करके देख लेना, उसमें सिंथेटिक कत्था बनाने की और लिखा है, और पूरी जानकारी उसमें दी गई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको अभी भी, आज एक जने हमसे पूछ रहे थे कि साहब एक दिन समाचार पत्र में छप जाता है कि चाय अवक्ष है, और दूसरे दिन गवर्नमेंट की क्लियरिफिकेशन आ जाता है कि वो शुद्ध है, तो अब हम क्या करें। टॉटरी के बारे में अभी निकला है समाचार पत्रों में कि टॉटरी बिल्कुल सरासर अवक्ष है, टॉटरी में 100% मांस है, नींबू का सत के नाम पे चलती लेकिन 100% मांस है। उसका कागज हमारे पास भी है, इन एक जने भैया लाए वो इटारसी वाले, उनके पास भी है। बाद में समाचार पत्र में आ गया कि नहीं नहीं वो भक्ष है, बढ़िया है। तो हम क्या करें, यदि दोनों तरह की बातें जब मार्केट में आए तो अपने को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको उसके संबंध में एक सलाह देकर के छुट्टी कर रहा हूं अभी की। आज मार्केट में लोगों को पैसा कमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंडिया में कोल्ड ड्रिंक पर स्टे दे रखा है, मार्केट में बेचना अलाउ नहीं है। उन्होंने ये बात कही है कि 25 पैसे की भी गोली बाजार में आती तो उस पर कंटेंट्स लिखे रहते हैं, कंटेंट्स क्या डाला है आपने इसमें। तो उन्होंने ये कहा है कोल्ड ड्रिंक्स वालों से कि आप इसके ऊपर अपना ये छापिए कि इसका कंटेंट्स क्या है, 99% वाटर है, 0.5% ऐसा है, 2% ऐसा, मैंने आप बताइए। आज की तारीख तक किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स वाले ने उस पर नहीं छापा, लेकिन करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, आप समझ सकते हैं, ओनली वाटर प्रोडक्ट है, एक प्रकार का वाटर प्रोडक्ट है, केवल 200 या 300 ग्राम 10 रुपए में बेच रहे हैं वो आपको, 99% पैसा डॉलर बनकर के विदेश जा रहा है, अमेरिका, आपकी देश की मनी विदेश जा रही है, और आपके देश का पानी 10 रुपए में 300 मिलीलीटर, पहले 200 मिलता था तो कह लें 50% फ्री। कास्ट क्या है ये आप लगाना हिसाब। लेकिन मैं ये कहना, आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि बिना कंटेंट्स के मार्केट में नहीं बेच सकते, लेकिन नेताओं ने करोड़ों रुपए खा रखा है, चुनाव में ले रखा है इन लोगों से, और इसीलिए वो धड़ल्ले से बिक रही है।
ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही आज सैकड़ों प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो रिश्वत की आड़ में, चाहे वे दवाइयां हों, चाहे वे खान पान की आइसक्रीम हो, चाहे तुम्हारी चाय की पत्ती हो, इनमें इतने मटेरियल्स मिलाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सख्त हानिकारक। कितनी ही चायों में क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाने के नाम पर ब्लड प्रोडक्ट भी मिलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आंख बंद करके, चूंकि उस पर ग्रीन निशान लगा है, कौन सा निशान लगा है, बस अब हम सोचते हैं वो तो शाकाहारी। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, आप केवल आंखें खोलकर बैठिए, समाचार पत्र पढ़िए, आपको बहुत सारी सत्य तस्वीरें, जानकारी आपको मार्केट की मिल जाएगी। हम इतना कहना चाहेंगे, आज हम सब जैन हैं और हमें विज्ञापन की आड़ में अजैन बनाया जा रहा है, मांसाहारी बनाया जा रहा है, हम इन चीजों से बचें। भाई इतना ही हम कह सकते हैं, इन चीजों से हमें बचना चाहिए, डाउट है तो जरूर ही बचना चाहिए, ताकि हमारे धर्म की संस्कृति और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। अन्योन्य भाव के माध्यम से हमने इतनी चीजें आपको बता दी, ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल सुबह करेंगे।